सो वेलकम टू बैक माई न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस आज जा रहे हैं हम लोग सरिया तरफ, उधर से देसी घी मिलता है तो उधर से लाना है, आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो चलिए मिलाते हैं अभी आप लोग को मोटो ब्लॉग सेटअप में और दिखाते हैं कि क्या क्या आज देखने को मिलता है रोड में। और ये देखिए अभी घर से निकल ही रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली घर के बाहर निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं। हाँ चलता नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी हम लोग विष्णुगढ़ से निकल चुके हैं और अभी पहुंचना है, अभी लगभग कितना टाइम हो रहा है, गाड़ी भी नहीं है। ये सिर्फ झारखंड में ही देखने को मिलेगा आप लोगों को और कहीं नहीं। हाँ नजारा दिख रहा है ऐसे खतरनाक, वाह मजा आ रहा है ना, ये तो झारखंड की खूबसूरती है यार। ये आप लोग भी झारखंड घूमिए, बताइए कैसा है, क्या ही बताए गाइस। इतना भी रिकॉर्डिंग करते हैं ना, इसका जो एड आ जाता है मोबाइल में क्या हो जाता है पता नहीं यार। अगर आप लोग के पास सोल्यूशन होगा तो कमेंट में बता देना, एड आ जाता है हम स्क्रीन पर ही, बहुत इसका खराब लगता है। ऐसा मत किया करो यार ब्रांड एम्बेसडर ऐप वालों। एंड गाइस अभी यहाँ से बगोदर 9 किलोमीटर है, जो की वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अभी बहुत दूर है, बगोदर से ही जाना पड़ेगा सरिया वैसे लुधियाना। और ये बाइक में आप लोग को एनएस का फील देता होगा ना, एनएस का फील दिलाता होगा, क्योंकि गाइस ये जो है ना पैशन प्रो है, जो इसका वाइजर है यहाँ से आता है, इसका वाइजर हम लोग हटवा दिए इसलिए क्योंकि ये एनएस का फील दे। देख सकते हैं ये जो मीटर कैंसिलोमीटर से आप लोग को पता कर सकते हैं आप लोग कि कैसा लुक दे रहा है, एनएस के जैसा दे रहा है या नहीं, कमेंट में बताना। पैशन प्रो है, बहुत ही पुराना मॉडल लगवा होगा, नहीं बोलो का होगा ना, फोटोशूट इधर ही हम लोग किए थे। इधर ही काम रहता है हम लोग को, बार बार इधर ही आ रहे हैं हम लोग, जब भी आ रहे हैं इधर ही आ रहे हैं। सोन जा रहा है, बराती का सीजन चला है ना, तो सोन का बुकिंग तो चलते ही रहता है यार। काम इधर की खूबसूरती अलग ही है, क्या ही बताएं। और ये देख सकते हैं अभी पेट्रोल पंप आप लोग को 3 बार दिखा चुके हैं, 3 ब्लॉग में देखिए, अभी तैयार हो रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ अभी। अभी हम और रंजीत है और संजय अभी जा रहे हैं घी लेने, देसी घी गाय का जो होता है ना घी मिलता है। इन लोग से परेशान है पूरा झारखंड में, बैल वगैरह तो रास्ता में मिल ही जाएगा आप लोग को। ओहो हो ये NH 100 है, NH 100 का भी अभी हो चुका है बावरा, मतलब 4 लाइन बनने का, तो कब तक बनने का वेट रहेगा, वेट करेंगे किधर से क्या होगा। ये 2 लाइन में उतना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे उधर से भी बाइक आता है, इधर से खराब लगता है। और ये देख सकते हैं हरियर धाम का मेन गेट है, इधर से भी है और उधर से भी है, पर गाड़ियाँ रुकती है, लाइन होटल है। और चलिए दिखाते हैं आप लोग को हरियर धाम किधर से जाना है, इधर से सामने पड़ता है, उधर से भी रास्ता है, लेकिन दिखा देते हैं किधर से क्या होता है। इधर होटल है, मैरिज हॉल है, इधर शादी होती है, बहुत ही शादियाँ होती है, महादेव का मंदिर है, आप लोग को बताए थे पिछले ब्लॉग में, अभी भी लगता है शादी हो रहा है, होते रहता है। और देखिए कितना क्लाउड है इधर, कितना भीड़ है, जल्दी निकालते हैं इधर से जल्दी, नहीं तो पब्लिक रिएक्शन बहुत डेंजर मिलता है इधर। देखिए साउंड बज रहा है इधर, और ये वो देख सकते हैं शिवलिंग है, उधर ही शादियाँ होती है बहुत सारा। हाँ नहीं माइक किधर है मेरे मुँह के पास, रुआ जो था ना इसका रुई, एक बार पापा ले गए थे हेलमेट वहाँ, तो रुई जो था ना इसका वो रुआ किधर भुला दिए, अभी लगता है कि किसी को हेलमेट भी नहीं दे, इन पापा थे हमारे दे दिए। तो गाइस अभी तो सपना है एनएस फिलहाल लेने का, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए, अगर आप लोग का बड़ा हुआ सपोर्ट रहेगा ना तभी तो एनएस वाले लेंगे तब आप लोग को दिखाएंगे किधर का नजर हुआ और आप लोग को मनोरंजन करवाएंगे। और अभी शायद पता चल रहा है कि आमिर माजिद भैया के साथ कुछ हुआ है, उसका फैमिली प्रॉब्लम, तो मिलकर साथ देना उनको, सपोर्ट करना। वो एनएस देखिए यही बाइक लेंगे यार, देखना गाँव में यार एक बार जो आप लोग को रामनवमी वाला ब्लॉग बार डाले थे ना, एक बंदा जो था डिमोटिवेट कर दिए थे हम लोग को, खुद बोले थे लेकिन क्या बोले, वो थारा भाई जोगिंदर अभी यहाँ पर रुक चुके हैं अंगूर लेगा, और इधर होटल है, उधर से अंगूर लेके आएगा, तब तक हेलमेट को खोलते हैं। और अभी फाइनली लग चुका है, और ये देख सकते हैं श्री राम मंदिर, यहाँ पर रामनवमी होता है। अभी बाइक हमारा चालू हो चुका है और अभी निकल रहे हैं धीरे धीरे, और इधर बहुत क्लाउड है तो भाड़ वाला जगह है, तो इधर धीरे ही चलेंगे, उसके बाद उधर चलेंगे बाइक को। वायलेंस लाइन पूरा करो, आई डोंट लाइक इट। ये जो है ना सरिया वाला रोड है, आप लोग को पता ही है, इधर से आप लोग को घुमाए हैं, कितना बार घुमाए हैं आप लोग को। व्हाट इज दिस ब्रो, से अभी एंटर कर चुके हैं, अभी हम लोग लुधियाना वाला रो, और ये देख सकते प्यारे प्यारे बच्चे, और ये देख सकते मुर्गे, ओ या आएंगे क्या डिक्की में। रोड खराब है गाइस, लिमिट से चलना पड़ेगा, नहीं तो गिरेंगे तो पीर जाएंगे सब तीनों हम लोग। हमारा झारखंड बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सोने का झारखंड। और ये देख सकते कौन सा पहाड़ है भैया, उधर देख सकते है इधर से सनसेट निकला है, क्या ही गजब देखने को मिल रहा है आप लोग को, और पहाड़ है सनसेट पहाड़ गजब।
ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलवा मिलेगा, यहाँ पर पुलवा में झाड़ा उड़ा फिर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं कुछ इस प्रकार की जगह में और यहाँ पर छोटा सा पुल दिख रहा है आप लोग को। यहीं पर हम लोग बरात आए थे, यहीं पर हम लोग ये वाला ये समझ रहे हैं, ये देख सकते हैं नदी कुछ इस प्रकार से उधर से आ रहा है और उधर पहाड़ है और इधर भट्टा है, ईटा वाला भट्टा का बिजनेस हो रहा है इधर। कैसा लगता है जैसे बादल, देख सकते हैं चिमनी भट्टा बोलते हैं इसको हम लोग झारखंड में। कैसा है रास्ता वा झारखंड वाला, झारखंड सरकार ध्यान दीजिए ना। और भैया व्हाट इज दिस, दिस इज खराब रास्ता। वादियों के बीच में हमारा जो सनसेट है दिख रहा है इतना सुंदर, वाह गजब, नाइस, वेरी नाइस। अरे यार इधर से गिरोगे ना तो सब पिलेंगे। ओह नो, इधर ना गाइस, यूट्यूबरों को अलग नजरिए से देखा जाता है लेकिन हमको कहा उसके लिए ये हम तो बनाएंगे ही और आप लोग सपोर्ट करना आएंगे आप उन लोग को औकार। चारों तरफ से जंगल है और बीच से रास्ता गया हुआ है, अधिक मात्रा में महुआ का पेड़ देखने को मिल रहा है। झारखंड में अगर आप लोग रहते होंगे तो जानते ही होंगे महुआ क्या होता है, महुआ महुआ देसी देसी जुगाड़। ये वाला रोड देखे तो आप लोग विरोध करिए तो कमेंट में, बहुत ही खराब रास्ता है, अगर इधर से कोई गिरेगा तो क्या होगा, सेफ्टी देख के चलना पड़ेगा ना सरकार को। अरे बहुत सड़ी देख सकते हैं, ऑफ रोड में आ गए हैं। रोडवा था वो रोडवा ऐसे आया है गिटिया वाला और इधर से जो गया है ना खराब का वाला रोडवा वो इधर से गया, यहाँ पर मिले थोड़ा सा आगे, चलो तेलवा तो बचा, देख सकते हैं गाइस रोड। और अभी अभी हम लोग गांव में एंटर करने वाले हैं तो इधर ही हम लोग बंद कर देते हैं कैमरा, नहीं तो देखेगा तो क्या सोचेगा, वो लोग सोचेगा जो भी सोचेगा, लेकिन का ही बोले, सभी का सेफ्टी देखते हुए कैमरा को यहाँ पर बंद किया जाए और चला जाए फाइनली। और ये देख सकते हैं इन लोग भी गया था हम लोग के साथ, हाय कर दे रहे हाय। तो गाइस इधर देख सकते हैं ये अभी इधर मेरा घर के सामने एक शादी हो रहा है तो यहीं पर आए हुए हैं, देखिए इसी का ये है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से सजा हुआ है। उधर गए तो ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, ऐसा करता आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, कर लीजिए।